सात वो चीजें हैं जो आपके घर में अगर हैं तो आप इन चीजों को बाहर निकालें, क्योंकि ऊर्जा आपके घर की खराब होगी, और यदि ऊर्जा खराब होगी तो आपके काम बिगड़ेंगे, आपके घर में बीमारियां होंगी और आपके घर में पैसे में बिल्कुल बरकत नहीं आएगी, और घर के बच्चे से लेके बूढ़े तक परेशान रहेंगे अगर आपके घर में ये सात चीजें हैं। और इस तरह की तस्वीरें भी अगर आपके घर में है तो आपको उनको जल्दी से निकाल बाहर करना चाहिए। जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, आज का मेरा वीडियो इस पर है कि घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, और अगर ये सब चीजें आपके घर में हैं तो आप जल्दी ही उन सबको बाहर निकालें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो रोज की तरह। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें, राम हमारी ऊर्जा है। तो दोस्तों, हम ऊर्जा है, जैसे हम अगर अपने शरीर को देखते हैं तो ये शरीर है, बट असल में इसकी ऊर्जा है, ये एक एनर्जी है, हम सब एनर्जी हैं। ये जो हमारा शरीर है ये फिजिकल बॉडी है, लेकिन एनर्जिक बॉडी इसके बाहर होती है, जो कि हमें इसके बाहर भले दिखती नहीं है लेकिन वो एक एनर्जी होती है, कवरिंग एक एनर्जी की होती है। तो ऐसे ही हमारी एनर्जी होती है, ऐसे ही हमारे घर की भी एनर्जी होती है। तो दोस्तों, कुछ ऐसा हो कि हमारे घर की ऊर्जा अच्छी रहे। आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों के घर में बहुत ज्यादा सद्बुद्धि होती है, चाहे वो बच्चों को हो, चाहे बड़ों को हो, चाहे बूढ़ों को हो, सबके अंदर सद्बुद्धि होती है। जरूरी नहीं है कि जो बुजुर्ग हैं उनके पास सद्बुद्धि है और जो बच्चे हैं वो दुर्बुद्धि है, ऐसा नहीं है। कहीं कहीं तो बुजुर्ग पे भी दुर्बुद्धि रहती है, तो हम ये नहीं, उम्र से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे वास्तु के हिसाब से भी होती हैं और जिनका कुछ कारण होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर की ऊर्जा अच्छी हो तो हम अपने घर से इन चीजों को बाहर करें, या हम घर बना रहे हो तो इस चीज का ध्यान अवश्य रखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अपने घर की ऊर्जा को कैसे बढ़ाएं, और जो बहुत चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं है तो उनको कैसे पहचाने और फिर उनको घर से बाहर निकालें। दोस्तों, सीधी सी बात है, सबसे पहली चीज जब हम कहीं पर जमीन खरीदने जाते हैं या हम शुरुआत घर बनाने की करते हैं तो दोस्तों सबसे पहली चीज आपने देखनी है कि आपके घर के सामने फ्रंट में कहीं कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, क्योंकि कब्रिस्तान की जो नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा होती है वो आपके घर में जरूर आएगी और फिर आ करके आपके घर के लोगों की या बच्चों की ऊर्जा खराब करेगी। सबसे ज्यादा आसान काम होता है बच्चों की ऊर्जा को इफेक्ट डालना, तो वो ऊर्जा आपके बच्चों को बहुत तंग कर सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप जब जमीन खरीद रहे हैं या जब घर बना रहे हैं तो बहुत अच्छी तरीके से जाँच पड़ताल कर लें। नंबर दो है कि आपके घर के आसपास अस्पताल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अस्पताल में जो लोग आते हैं वो रोगी होते हैं और जो दुखी हैं। सच बात ये है कि अगर हम भी दुखी हैं तो हमारा जो ओरा होगा वो काफ़ी वीक होगा और हमारी एनर्जी बहुत कमज़ोर होगी, क्योंकि तभी तो हम दुखी हैं। अगर आपकी एनर्जी स्ट्रांग है तो दुख भी आपको दुखी नहीं कर सकता है। लेकिन फिर क्या होता है, जब हमारा ओरा कमजोर है, हमारे अंदर बहुत वैसी एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, डिस्ट्रॉय करने वाली एनर्जी है, तो उस एनर्जी का जो क्षेत्र होता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये भी दुखी, वो भी दुखी, वो भी दुखी, तो सारे दुखी लोग इकट्ठे हो गए तो दुख की एनर्जी बढ़ गई। अब वो एनर्जी अगर आपके घर के पास हॉस्पिटल है तो वो एनर्जी आपके घर भी आएगी और फिर दुख की एनर्जी दुख देगी, पता है, जैसे सुख की एनर्जी सुख देती है ना। कुछ लोग इतने खुश मिजाज रहते हैं कि उनसे मिल करके जो दुखी भी होगा वो भी थोड़ा सा मुस्कुराहट ले आता है चेहरे पे, तो ये होता है एनर्जी का खेल। तो आपका घर किसी हॉस्पिटल के आसपास नहीं होना चाहिए। नंबर तीन, आपका घर किसी टी पॉइंट के पास से टी पॉइंट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों, टी पॉइंट भी कहते हैं कि उसमें भी काफी ज्यादा नकारात्मक ऊर्जा होती है, और आने वाले 10-20 सालों में वहाँ कुछ ऐसा होगा, या तो वो घर बिक गया होगा या तो घर के लोग परेशान रहेंगे। जब बहुत परेशान होते हैं लोग फिर क्या करते हैं, बेच देते हैं। जब तक पापा मम्मी उनके घर में रहते हैं तो बच्चे रहते ही रहते हैं, पापा मम्मी परेशानी में रहते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, बेच देते हैं। या तो घर बिक गया, बिक जाएगा, या वहाँ के लोग परेशान रहेंगे, तो टी पॉइंट का घर भी नहीं होना चाहिए। अब चौथी बात है कि आपके घर में जो देवी देवताओं की फोटो लगी हुई है
उसमें क्रोधित अवस्था की फोटो नहीं लगी होनी चाहिए। देवता देवता को गुस्सा आ रखा है, मार रहे हैं, तो इस तरह की जो फोटो होगी ना, क्रोधित अवस्था की फोटो होगी, आपके घर के लोग, घर के बच्चे जितनी बार उस फोटो को देखेंगे उनके अंदर भी वही लड़ाई झगड़े वाले भाव आएंगे। तो बाहर तो कम लड़ेंगे, पहले भीतर ही लड़ जाएंगे सब बच्चे। तो इसलिए क्रोधित अवस्था की फोटो नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वो जो वैसी एनर्जी होती है, क्रोध वाली एनर्जी, वो हम नहीं सहन कर पाते हैं और शक्ति को संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है फिर। इसलिए क्रोधित अवस्था की फोटो नहीं रखनी चाहिए। जो एक बार हमारे पंडित जी ने भी हमको बोला था कि माँ दुर्गा की जो तस्वीर है उसमें दुर्गा माता ने की जो शेर है दुर्गा माता का, उनका मुंह खुला नहीं होना चाहिए। तो ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मुंह खुला है मतलब वो अभी भूखे हैं, गुस्से में हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आपको परेशान कर सकती है। तो इस तरह से आपको अपने घर में फोटोएं अच्छी रखनी चाहिए। और फोटो बाहर बाहर की, आपके अगर ईस्ट है माना वो, तो ईस्ट देव की पूजा करें बट फोटो ना लगाएं, उनकी पूजा करें लेकिन वो फोटो ना लगाएं, क्योंकि क्रोधित फोटो नहीं लगानी चाहिए। पांचवा है दोस्तों, लोग क्या करते हैं ना कि घूमने जाते हैं आगरा और वहां से लाते हैं ताजमहल और सजा देते हैं घर में। बहुत ज्यादा, एक बार तो बहुत ही ज्यादा चलन हो गया था कि जो भी आगरा जाएगा वो ताजमहल लाएगा, छोटे छोटे मॉडल ताजमहल के, और वो घर में रख देते हैं। तो दोस्तों ताजमहल को कभी घर में ना रखें, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी होती है। ताजमहल कोई मंदिर थोड़ी है, मकबरा है, मतलब किसी कोई मरा है और उसको वहां गाड़ दिया है, समझ लो। अगर पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं और पत्नी का क्या शमशान में जलाने की फोटो थोड़ी रखते हैं ना, तो इसीलिए ताजमहल का फोटो घर में ना रखें। वो मकबरा है, वो मंदिर नहीं है, तो लोग इस तरह की फोटो को अपने घर में अगर है तो बाहर निकाल दें, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत बुरी होती है और फिर आप लोग परेशान रहते हो और हम समझ में नहीं आता है कि क्यों हो रहा है ये सब। घर का वास्तु भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें गलत नहीं है। हमारी अर्थ भी एक मैग्नेट है ना, तो वो उसी तरह से काम करती है। अगला है दोस्तों कि हिंसक जानवरों की तस्वीरें भी घर में नहीं होनी चाहिए। बाघ, शेर है ना, चीता, इस तरह से कुत्ता, बिल्ली, ये भी तो ऐसे हिंसक होते हैं, उनके कैनाइन टीथ होते हैं, फाड़ने वाले दांत, तो उनकी तस्वीरें अपने घर में ना रखें। दोस्तों जो भी ऐसे मांसाहारी होते हैं ना, उनके पंजों में भी जर्म्स पाए जाते हैं, जीवाणु होते हैं, जो कि हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए उनको, अगर आपने पाल भी रखा है ना, तो कोशिश करें उनको बाहर की आदत रखें। घर की, इसमें कोई लाड प्यार नहीं होता है कि जो तुमको बीमार कर रहा हो ना। लाड प्यार होता है बट जगह होती है। अगर आप जूते पहनते हैं तो क्या आप अपने जूतों को लेके बिस्तर में भी सोए रहते हैं? आप ब्रांडेड जूते पहनते हैं, महंगे जूते पहनते हैं, लेकिन पहनते पैर में ही हो, और जब आप अपने बिस्तर में जाते हो तो जूते उतार के किनारे करते हो ना। तो क्योंकि अटैचमेंट होना चाहिए बट एक जगह होती है जिनकी, क्योंकि अगर आप बीमारी को न्योता दे रहे हैं तो फिर कौन, मूर्ख तो आप ही हो फिर, है ना। जब आपने साइंस जान लिया है तो आप उनको भी पालें, पोसें, खाना खिलाएं, सब कुछ करें, नहलाना धुलाना सब करें, लेकिन उनको पूरे घर में ना घुमाएं। मेरा तो यही मानना है, क्योंकि साइंस कहता है कि एक तो उनके बाल से ब्रोंकाइटिस और सांस की बीमारी हो जाती है, और ये बीमारी होती है बच्चों को और बूढ़ों को ज्यादा। तो इसलिए कोशिश करें कि वो बाहर रहें। दोस्तों क्या होता है कि जब हम हिंसक जानवरों की तस्वीरें लगाते हैं तो थोड़ी देर के लिए उनकी फोटो देख करके हमारे भीतर भी एक अहंकार जाग जाता है, और अहंकार जहां जागा वहां मनुष्य का नाश होता है, ठीक है ना। तो इसलिए ना लगाएं। लोग गाड़ियों के पीछे भी लगा देते हैं कहीं पर भी, जैसे टाइगर का मुंह खुला हुआ, सब लगा देते हैं। तो ये सब आप बनो ना, टाइगर बनो, फोटो लगाने से क्या होगा, आप खुद बनो, इतना ज्यादा अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाओ, कोई आपका कुछ बिगाड़ ना सके। बॉडी तो कुछ नहीं बनती है पड़े पड़े लेटे लेटे, लेकिन हाँ फोटो और लग जाती है कि देखो मैं हूँ शेर, है ना। तो ऐसा ना करें। अगला है दोस्तों कि भीड़ भाड़ में जब जाते हो ना, तो बहुत संभल के जाएं, क्योंकि भीड़ भाड़ में अगर कोई व्यक्ति अपनी ऊर्जा को कलेक्ट करता है या प्योर रखता है या अपने एनर्जी लेवल को हाई रखता है, तो जब वो भीड़ वाली जगह में कहीं पर जाता है तो क्या होता है, उसकी एनर्जी इधर उधर बिखर जाती है, और दूसरों की अगर किसी की नेगेटिव एनर्जी होगी तो वो उस पर आ जाती है, तो उसका नुकसान हो गया। उसने अपनी एनर्जी को बड़ी अच्छी तरीके से अच्छा बना रखा था, प्योर बनाया था, लेकिन
वहां पर जाने से उसकी एनर्जी कई बार इफेक्ट हो जाती है। 10 तरह की बातें सुनने पे और 10 तरह के लोगों से मिलके वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। आपने देखा होगा भगवान भोलेनाथ क्यों है वहाँ अकेले में बैठे हुए कैलाश पे, क्योंकि एकांत से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। और दूसरा, अगर जाते भी हैं तो बहुत संभल के जाएं, अपना एक छलनी अपने पास जरूर रखें कि जो ऐसा नहीं है कूड़ा कबाड़ जो आ रहा है वो सब हम अंदर कर रहे हैं, नहीं नहीं, जो आपको लगता है अच्छी बातें हैं, अच्छी चीज़ें हैं उसको एक्सेप्ट करें। जो आपको लग रहा है हाँ बोल तो रहे हैं लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं जम रही है, तो उसको आप रिफ्लेक्ट कर दें, मतलब उसको अपने भीतर ना आने दें, ऐसी छलनी लेकर के जरूर जाएं। दूसरा, जब आप आते हैं वहां से भीड़ भाड़ वाली जगह से तो एक बार स्नान जरूर करें, और स्नान नहीं करते हो तो हाथ पैर मुंह हाथ धो जरूर धुले, क्योंकि वरना वो एनर्जी आप पर ही घूमती रहेगी, इसका ध्यान रखें। दोस्तों क्या होता है ना कि जो जिसके हम आसपास होते हैं उसकी एनर्जी हमारे पास आ जाती है, जैसे टीचर होते हैं ना बच्चों से घिरे हुए रहते हैं तो बच्चों की एनर्जी उनके पास रहती है, बच्चों की बहुत प्योर एनर्जी होती है। जो टीचर होते हैं, जो छोटे बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर होते हैं, कभी आप उनको देखना उनका वो बच्चों जैसे हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चों से घिरे हुए रहते हैं तो वो हम उनकी तरह हो जाते हैं, इसलिए ध्यान रखें। अगली चीज ये है कि जैसे कोई बहुत बड़े ऑफिसर होते हैं तो उनसे मिलने जब जाते हैं तो वो एक एक करके बुलाते हैं, वो एक साथ सबको नहीं बुला देते, आ जाओ अंदर, अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, फिर अकेले में सबसे मिलते हैं, क्योंकि उनको भी अपनी एनर्जी खराब होने का भय होता है। दूसरा क्या होता है, शिव और शंकर, इन दोनों में अंतर है। शिव क्या है, कल्याण के प्रतीक हैं, कल्याण के देवता हैं, लेकिन शंकर संहारक हैं, शंकर संहारक होते हैं। तो शिव की संहारक मुद्रा भी अपने घर में ना लगाएं, जैसे आजकल बहुत ज्यादा चलन में है, लोग बिल्कुल फ्रंट में अपने नटराज की मूर्ति लगाते हैं। नटराज शंकर भगवान का संहारक प्रतीक है, नटराज, तो उनकी वो वाली फोटो ना लगाएं। हाँ, जो लोग सरस्वती के पुजारी होते हैं, डांस करने वाले हैं, जो लोग कलाकार होते हैं वो रखते हैं नटराज की, लेकिन उनका स्पेशल कमरा होता है जहाँ पर वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपनी साधना करते हैं, वहाँ वो नटराज की फोटो लगा सकते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा बिल्कुल फ्रंट में नटराज की फोटो लगाना भी सही नहीं है, क्योंकि वो शिव की संहारक मुद्रा है। अगला है दोस्तों, पानी का फवारा। पानी का फवारा भी घर के आसपास नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग जैसे कहते हैं ना, बिना दिशा देखे हुए, बिना कुछ जाने हुए, वो कई बार भी एक बाजार से फवारा खरीद के ला करके वो रख देते हैं, जो कि अच्छा अगर वो वास्तु के हिसाब से है, आपने दिशा देख रखी है, जल कौन सी दिशा में है लगाया है, तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आपने ऐसी बिना देखे फवारा लगा दिया तो आपके घर में लक्ष्मी जी की बरकत कम हो सकती है, लक्ष्मी जी कम हो सकती है, क्योंकि पानी और फवारा लगा हुआ है तो वो आपकी थोड़े छोटे मोटे नुकसान करा करके आपको लक्ष्मी को भगा सकता है। तो ध्यान रखें कि घर में इन चीजों को ना रखें। तो दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और उससे पहले ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप वीडियो देखें और इससे थोड़ी बहुत जानकारी लें। और अगर आज ही आपके घर में ये सब तस्वीरें लगी हुई है तो इनको निकाल बाहर करें, और अगर आप कहीं जमीन लेने जा रहे हैं तो ये चीज जरूर देखें कि वहाँ कहीं अस्पताल कब्रिस्तान वगैरह ना हो, टी पॉइंट का घर ना हो, तो ये चीज जरूर देखें। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।